गांव फूसगढ़ में गत दिनों हुई असामाजिक घटना के विरोध में आज फिर दोबारा से गांव में महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत की अध्यक्षता गांव के ही मोजिज व्यक्ति राम कुमार वाल्मीकि ने की। वहीं इस दौरान सरकार की ओर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल के राजनीतिक सचिव एवं पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार बेदी नुमाइंदे के तौर पर पहुंची। इस दौरान पीड़ित परिवारों के दुख को साझा किया गया। उन्होंने कहा कि वह सरकार व समाज का नुमाइंदा होने के नाते फूसगढ़ गांव में हुई आगजनी, तोड़फोड़ तथा दुर्व्यवहार व मारपीट की घटना से पीड़ित परिवारों के जख्मों पर मरहम लगाने आए हैं, ना कि राजनीति करने। महापंचायत को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री बेदी ने कहा कि इस घटना के दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। समाज की तरफ से जो मांगे रखी गई है वो सरकार तक पहुंचाई जाएंगी और पीड़ित परिवारों के लिए नुकसान की भरपाई करवाई जाएगी तथा गरीब समाज को न्याय दिलवाया जाएगा। इस अवसर पर करनाल के एसडीएम आयुष सिन्हा ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा अत्याचार से पीड़ित अनुसूचित जाति के परिवारों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता योजना के तहत इस गांव के 15 पीड़ित परिवारों के लिए धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त लोक निर्माण विभाग तथा नगर निगम की संयुक्त टीम द्वारा पीड़ित परिवारों के घरों में हुई तोड़फोड़ से नुकसान को लेकर मरम्मत का कार्य करवाया जाएगा तथा टूटे हुए घरेलू सामान की भरपाई करवाई जाएगी। इधर पुलिस प्रशासन की ओर से मौके पर मौजूद डीएसपी जगदीप दहन ने अब तक की पुलिस कार्यवाही के बारे में बताते हुए कहा कि पीड़ित परिवारों द्वारा दर्ज कार्यवाही की गई और FIR के तहत 37 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है तथा अब तक कुल 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। शेष की गिरफ्तारी के लिए भी धरपकड़ अभी जारी है। इसके अतिरिक्त फुटेज के आधार पर कोई अन्य आरोपी भी सामने आता है तो उसे भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। महापंचायत की अध्यक्षता करते हुए गांव फूसगढ़ के राम कुमार वाल्मीकि ने कहा कि जिन उपद्रवियों ने समाज के साथ यह अत्याचार किया है वह असहनीय है। सरकार से हम मांग करते हैं कि FIR में दर्ज सभी 37 लोगों की जल्द गिरफ्तारी हो और उन्हें कड़ी सजा मिले, उनके हथियार लाइसेंस रद्द होने चाहिए। एक मिनट। क्या कहेंगे आज जो है समाज के 11 तारीख को जो उपद्रवी लोगों ने इस गांव को शांतिपूर्वक बसने वाले गांव की शांति भंग करने का काम किया, खासतौर से गरीब समाज के लोगों को उत्पीड़न किया। सारे विषय हमारे मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में था और हमारे मुख्यमंत्री जी ने मेरी जिम्मेवारी लगाई थी। आज मैंने प्रत्येक चीज़ का बारीकी से चर्चा भी की समाज के लोगों से, यहां की जो संघर्ष समिति है उससे भी चर्चा की, प्रशासनिक अधिकारियों से भी मैंने बातचीत की और व्यक्तिगत जाकर भी जो पीड़ित पक्ष के लोग हैं उनका जाकर स्थिति देखने का काम किया। तो आज सारी समीक्षा करने के बाद आज 5 बजे यहाँ की संघर्ष समिति के जो लोग हैं वो लोग शाम को SP साहब से मिलने के लिए जा रहे हैं और जो जो उनकी बातें तय हुई हैं, अभी तक गिरफ्तारियों का मामला है चाहे यहाँ पर अलग से कोई पुलिस चौकी या सुरक्षा बढ़ाने की बात है, उसके साथ साथ कुछ लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए भी इन्होंने असले की बात की है, वो सारे विषय पुलिस अधीक्षक महोदय से मेरे हो गए हैं और 5 बजे सभी लोग वहाँ पर जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे। और कल 12 बजे हमारे उपायुक्त महोदय DC साहब अभी किसी काम में व्यस्त थे, वो उन्होंने निवेदन किया था कि आज संभव नहीं होगा मेरा मिलना, तो कल 11 बजे ये सारे संघर्ष समिति के लोग माने उपायुक्त महोदय से जो जो चीज़ों की SC ST कम एक्ट के तहत जो जिन लोगों को कंपनसेशन की बात है और चाहे प्रशासनिक तौर पर और अन्य मदद और ज़रूरतों की बात है, तो उस सभी का शीघ्र अतिशीघ्र हम समाधान करने का काम करेंगे। और मैं संघर्ष समिति के सभी साथियों को और विशेष तौर से फूसगढ़ के सभी भाइयों को एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मनोहर जी की सरकार में किसी के साथ अन्याय और अत्याचार हम नहीं होने देंगे। यदि कोई अन्याय और अत्याचार किसी गरीब पर करने का काम करेगा तो पुलिस प्रशासन किसी प्रकार भी दोषियों को बख्शने का काम। कितना मुआवजा दिया जाएगा और कितने लोगों को? अभी फिलहाल जो परमपिता परमात्मा का ये बड़ा शुक्र है कि कम से कम कोई जान हानि नहीं हुई है और जो SC ST एक्ट के तहत जो प्रावधान है 2 लाख रुपये हम नुकसान के लिए सरकार मदद किया करती है, उसमें 15 लोगों को अभी तक सूचीबद्ध किया है, उनका 50,000 रुपये पहली किस्त
क्योंकि इमीडिएटली जो मदद करने की बात है वो सरकार कर देगी। हो सकता है कि कल तक वो अकाउंट में लोगों के पैसे भी आ जाएं, और 90 दिन के अंदर जैसे ही ये चलान टू कोर्ट होगा तो एक किस्त 25% की यानी 50,000 की और मिल जाएगी, 1,00,000 की मिलेगी, 50,000 की हो जाएगी, 1,00,000 रुपये हो जाएंगे दोनों मिलाकर। और जब डिसीजन हो जाएगा केस का उसके बाद 1,00,000 रुपये की मदद फिर होगी। और सरकार की तरफ से जो वकील, पहले हम सरकारी वकील दिया करते थे, अब हमने SC/ST एक्ट के अंदर एक प्रोविज़न और किया है कि पार्टी पीड़ित पक्ष यदि अपनी मर्जी से कोई वकील भी करना चाहे उसकी फीस के देने का प्रावधान भी सरकार करती है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.